हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी पीछे जो बैकग्राउंड में कपड़े ढके हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि मतलब जब से पापा आए हैं उसके पहले से बारिश निकली हुई है ना। मैंने अभी एक दिन भी ब्लॉग भी नहीं किया, अभी भी दिखाऊँ आपको कितनी बारिश हो रही है। पूरी एकदम बाहर पूरा मतलब ये देख, मतलब बारिश नॉन स्टॉप लगी हुई है, अराउंड 15 डेज हो गए। एंड अभी हम लोग के कपड़े वपड़े कुछ नहीं सूखे हैं। बीच में हमारा ट्रांसफार्मर उड़ गया, बोलो उसको बनाए, अभी भी प्रॉपर नहीं बनाया क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। तो इन्वर्टर वगैरह चार्ज, मतलब इस बार लग ही नहीं रहा है कि गणपति आए हैं। बोले पूरा मतलब पिचर पिचर, एक दिन भी नहीं छोड़ा है पानी, ऐसे नॉन स्टॉप गिर ही रहा है बारिश। बोले एंड 25 को लास्ट हितिका का एग्ज़ाम है, वो भी संस्कृत है, बाकी सारा हो गया। एंड मैं जस्ट अभी 8 बज रहा है, मैं अभी सो के उठी हूँ। रात को पता नहीं कब से लाइट नहीं है, क्या नहीं है, पानी गिर रहा है, इसको उठाई पढ़ने के लिए 5 बजे उठाई हूँ, 5 नहीं 5:30 उठाई हूँ, उठते उठते 6 बजाई है और 5:40 हो गया था, लेकिन 6 नहीं बजाई हूँ देखे। और अभी फिर 8 बजे उठ गई है और मैं पढ़ूंगी। बोरे बताओ क्या करोगे ऐसे बच्चे लोग, ऐसे बच्चे लोगों को क्या करोगे बताओ। बल्कि कल गणपति हमारे यहाँ विसर्जन है कि या फिर मंडे को है, जो भी है, तो पढ़ नहीं पाएगी। उसको मैं कितने बार समझाई बेटा पढ़ लेना बिना बोले, लेकिन क्या पढ़ लेती हूँ मैं, नहीं मतलब नहा करके फिर बैठा था। कल कंप्यूटर का एग्जाम फिर क्यों खराब हुआ, मैथ का एग्जाम क्यों खराब हुआ, अगर आप पढ़ लेते हो तो बताओ है कुछ। देखो लेके साथ मतलब अपना फोन लेके बैठ गए पढ़ने के साथ, तो चलिए घर देखिए पूरा। ये देखिए नीचे में जो दिख रहा है वो भी गंदे कपड़े, मतलब जगह ही नहीं। और जो किचन में मैंने सुखाए वो एक के ऊपर एक सुखाए हैं, तो मैं पति देव को बोली एक रस्सी और बांध दो किचन में, नहीं नहीं बनेगा, गान तो रहे ना। अब मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि ऐसे मौसम में अब आज के कपड़े भी तो धोने पड़ेंगे ना। मैं देखती हूँ कुछ जुगाड़ कर। पापा तो एक बैग लेके नहीं गए, भूल गए? बारिश तो सही में तबाही कर दी इस बार का गणपति, पूरा बेकार गया। रात को मस्त लेडीज लोग डांस वांस करे, बताओ मेरे को कोई बुलाया ही नहीं, लेकिन मैं जाती भी नहीं बुलाते तो भी, क्योंकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। तो ये रस्सी को देखिए, ये देखिए, फिर मैंने अभी तुरंत टाना है, ढीला है जैसे भी है, कम से कम काम तो आ रहा है ना सुखाना। इसको मैंने कल उनको टनाने के लिए और बांधने के लिए बोला, बंगाली बोल दे रहे तो नहीं, पंखा में फंसेगा ही फंसेगा। अब देखो मैंने टांगा है, कुछ हुआ? और इतना कर लेते तो हमारे कपड़े भी सूख जाते सारे। दीदी का स्कूल ड्रेस है, दोनों है, वाइट ग्रे दोनों है, सबको धोना है। और पता नहीं उसकी वाइट ड्रेस में लाल लाल पता नहीं क्या लगा ली है, वो मेरे समझ में यार। मैं बिल्कुल उसकी वाइट ड्रेस में अलग धोती हूँ मशीन में, वो कहाँ से लगा है बोलती पहनने टाइम देख रहे हो, बल्कि मैं सुखाने टाइम भी देख रहा हूँ कुछ नहीं था, पता नहीं वो छूटेगा कि मैंने। चाय वाय पी ली है मैंने, तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा है करके ना, ये देखो मतलब वो क्या बोलते हैं 10 वाट वाला कि 100 वाट रहा, 100 वाट वाला जो बल्ब वो जल रहा है, इसलिए पीला पीला दिख रहा है पूरा, सब लोग जला रहे हैं ताकि वोल्टेज थोड़ा कम हो करके। चाय पी ली है मैंने, आज की चाय बहुत मीठी हो गई थी, मज़ा ही है। तो पास्ता बनाऊंगी सोच रही हूँ, बिल्कुल मैं तो पास्ता वॉइट कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी शाल लेने, फिर रात को सीधे बनाऊँगी क्योंकि 9 बजे गए। दिखा गई शाल लेके, ये देखिए चेयर पे भी डाली हूँ कुछ, और ये कुछ कुछ सूख गए हैं बोलो, वो देखो दीवार पे टंग रहा, मतलब बुरी हालत है घर की बहुत। ये रहा हमारा पास्ता, देखो सुखाने आ जाओ। मिली गई सभी, 10:30 पौने 11 हो रहा है, बारिश ने थोड़ा छोड़ा है। मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ, मैं तो भूल ही गई कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ आज। अभी 2:15 हो रहा है एंड खाना वाना खा लिए, एंड राइट नाउ वी आर वॉचिंग हॉरर मूवी। ऐसा करने पे वो पूरी शक्ति जरूर दिखेगी, और जब वो दिखे तो गुड़िया का सर तोड़ कर वहाँ से भाग जाना। क्या बोल, अभी देखो टाइम हो रहा है
अभी टाइम हो रहा है 4:20 एंड पति देव मेरे अभी तक सो रहे हैं। हम लोग अंदर पंखा चलाने नहीं दे रहे थे, देव को अंदर सोने नहीं दिए बोल के किचन में आके नीचे डेरा जमा के रखे हैं। इधर देखो कपड़े अभी भी अंदर है एंड बाहर कुछ कुछ सूख ही रहे हैं। कब से आज मसाले वाली चाय बनाई है मैंने, ये देखो चाय भी रेडी है लेकिन पीने वाले लापता। अभी तो शाम के 6:30 हो गए हैं, बाहर मौसम फिर से ख़राब हो रहा है, सुनिए बादल बादल गरज रहे हैं। अनिधिका को बड़ा डांट डपट के मैंने पढ़ने बिठाया है। तो ये देखिए जो गणेश जी के वहाँ पर जो माइक बज रहा है तो ऑब्वियसली बात है बच्चे का इंटरेस्ट वहीं पे जाएगा, तो उसको एक पढ़ा भी है मुझे, उसके मन अंदर जाकर बैठी हुई है। लेकिन मैं भी आरती होते होते बारिश आ जाएगी क्योंकि हवा छोड़ दिया पूरा, दिखाती हूँ मैं। राइट नाउ आई एम मेकिंग ढोकला फर्स्ट टाइम, लेकिन मेरा बैटर थोड़ा पतला हो गया तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही बनाते हैं, बाकी मैं भी उसको मतलब करेक्ट कर सकती हूँ, बैटर पर मैंने किया नहीं, अब देखते हैं कैसे बनते हैं। अराउंड 15 मिनट हो गए तो एक बार चेक कर लिया है, मैंने इसको दो बार ढाल दिया था, ये अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत टाइम लगेगा मतलब उसको होने में, मुझे पानी डालना पड़ेगा, मैं तो पानी बहुत कम करती हूँ। पानी के साथ साथ बारिश स्टार्ट हो गई, तड़तड़ तड़तड़ आवाज़ आ रही है, देखो पता नहीं कैसा मौसम है एकदम, देखिए एकदम जोरों की लाइट भी कटेगा तुरंत। आई होप आप लोग को बारिश की आवाज़ आ रही हो, तड़तड़ तड़तड़ चल रही होगा, अभी हम लोग आरती में जाने के लिए सब रेडी होते हैं भाई। वेलकम बैक, अगर अभी हो गया 7:30 तो हम जाएंगे आरती में, तो मैं रेडी हो गया, हितिका का जस्ट पढ़ के उठे तो वो थोड़ा रेडी हो जाए फिर निकालते हैं। ढोकला बन गया, खा भी लिया, टेस्ट भी कर लिया, तो मैंने खाली उसमें सरसों का ही छौंक लगाया था, तो हितिका बोल रहे कि नहीं मम्मी मीठा चटनी हरा चटनी सब उसको दो, तो कहाँ से लेके आऊँ मैं ना, मैंने खाली फर्स्ट बार ट्राई किया है उसको, और था भी नहीं सरसों के अलावा, हींग नहीं था, करी पत्ता नहीं था, मतलब जो हरा धनिया नहीं था। अगर बना रहे हो तो कुछ प्रॉपर बनाओ ना तो मज़ा आता है, लेकिन मैंने खाली ट्राई किया था इसीलिए मतलब परफेक्ट बना, नेक्स्ट टाइम से पता भी चल रही है ट्रिक तो बनते रहेगा।